नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन को याद करना। आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको याद करना। क्या हुआ, दो दोस्त कार में एसिड लेने जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? इंदौर से निकले थे, दिल्ली जाना था, 1000 किलोमीटर का सफ़र था। ठीक है, अब इधर से तो चले गए ड्राइव करके, दिल्ली पहुँचे। अब दिल्ली में वो एसिड वाली दुकान ढूंढ रहे हैं, गर्मी अलग पड़ रही है, टोपी लगा के घूम रहे हैं बेचारे दोनों के दोनों। ठीक है, अब उन्हें एसिड वाली दुकान मिली, एसिड उन्होंने जो कंटेनर थे वो लिए, अपनी कार में लोड किए। ठीक है, अब वो वहाँ से वापस जाने लगे। अब वापस जाने लगे तो अब भयंकर अब उन्हें थकान हो चुकी थी, लड़ने लगे एक दूसरे से, भाई तू ड्राइव कर, भाई तू ड्राइव कर। ठीक है, भयंकर थकान हो गई थी दोनों को, कि 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आए थे, ऊपर से ढूंढने में टाइम लगा और दिल्ली जैसा शहर। ठीक है, तो भयंकर थकान हो चुकी थी, डिएबिलिटी वीकनेस हो चुकी थी काफ़ी। तो एज इन द केस ऑफ ऑल एसिड, डिएबिलिटी एंड वीकनेस आर दी कॉमन सिम्टम। ओके, हैंस इन कार्बोलिक एसिड 2 दी सिम्टम्स आर परसिस्टेंटली प्रेजेंट थ्रू आउट। ओके, अब वो ड्राइव करके जो थे वो जा रहे थे। अब जो एक दोस्त था उसने लल्ला में ड्राइव कर लेता भैया लड़मन। ठीक है, अब वो लेके जाने लगा, ड्राइव कर रहा था तो जैसे थोड़े मतलब 200-300 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब उसको सिर में दर्द होने लगा, थकान हो गई थी, थकान की वजह से उसको सिर में दर्द होने लगा, सामने इधर फ्रंटल हेडेक होने लगा उसको। दोस्त को जगाया, यार सिर दर्द हो रहा है, ठीक है तू गाड़ी चला ले यार थोड़ी देर, ठीक है बहुत थकान हो गई है। तो बोला, यार क्या हुआ, कैसा लग रहा है ये बता। ये लग रहा है जैसे हेड के चारों तरफ कोई एक बैंड बताओ। अरे बेवकूफ, वो तो तू टोपी लगा के रखी थी ना पूरे दिन, उसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ ए बैंड अराउंड फोरहेड विद डल एंड हैवी फ्रंटल हेडेक। ठीक है, तो बोलता है चल एक काम कर, तेरी थकान उतारनी है ना, मैं उतारूंगा अभी तेरी थकान। ठीक है, इंदौर तक पूरा ऐसी गाड़ी चला के ले जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, ले है ना एक चीज़ देता हूँ तेरे को। तो वो क्या करता है, वो पीछे से गाड़ी में से निकालता है तबैको और विस्की। ठीक है, तबैको और विस्की ले, ये फंसा दो पैक मार विस्की के। ठीक है, और अपने चीख के नीचे ये तबैको फंसा और ले जाएगा। बोले यार भाई, यार कैसी बात कर रहा है, यार मरवाने के काम कर रहा है, ये विस्की पेट में जाएगी। ठीक है, पेट में जाएगी तो पेट का कैंसर कर देगी। ठीक, उसके बाद भी टबैको अपनी जीभ में यहाँ पे टंग इसमें चीख में लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो वहाँ का एपिथेलोमा कर देगी, वहाँ का ट्यूमर कर देगी। ठीक है, फालतू में मेरे को कार्बोलिक एसिड लेनी पड़ेगी, क्या मतलब रहेगा। ठीक, सेंसेशन हो गया, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर विस्की एंड टबैको। ठीक, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर विस्की एंड टबैको, इट हैज क्योर्ड द केसेस ऑफ कैंसर ऑफ स्टमक एंड हैज एपिथेलोमा ऑफ द चीक। तो वो लेता नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर ड्राइव करता है लेकिन उसके बाद उसको इतनी भयंकर थकान हो जाती है कि वो बोलता है, भाई यार देख अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है अब नहीं चला पाऊंगा मैं गाड़ी, अब तू चला यार। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पीछे वाली सीट पे, कंटेनर को साइड करूंगा, ठीक है एसिड के, और वहीं पे जाके सो जाऊंगा। तो चल ठीक है, अब ला दे मेरे को। तो फिर दूसरा दोस्त जो है वो गाड़ी ले लेता है, चलाता रहता है गाड़ी। अब उसके बाद में क्या होता है कि थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद में उसका दोस्त जो ड्राइव कर रहा था वो पीछे देखता है, तो वो देखता है कि उसका जो दोस्त है वो पूरा पसीने में लथपथ होता है। ठीक है, पसीने में लथपथ होता है, तो उसको लगता है कि यार ये बड़ा पसीना आ रहा है इसको, इतनी थकान हो गई। ठीक है, तो द होल सर्फेस ऑफ द बॉडी बाथड इन कोल्ड स्वेट एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, तो था ही थकान तो उसको थी बहुत भयंकर वाली। फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर से ध्यान से देखता है, ओ माई गॉड, ये पसीना नहीं है, ये एसिड है, ये जो आसपास कंटेनर रखे हैं इसमें से कोई कंटेनर जो है वो ढीला हो गया और ये एसिड इसके ऊपर आ गया, ओह माय गॉड। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि वो अल्सर बनना चालू हो गए। ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर अल्सर बनना चालू हो गए और वो मुंह खोल के तो सो रहा था उसका दोस्त। तो क्या होता है, जो एसिड जो है वो उसके मुँह के अंदर भी चला जा चुका होता है, तो अंदर भी पूरे क्या होते हैं उसने अल्सर बना दिए होते हैं। तो अल्सरेशन ऑल ओवर द बॉडी एंड इंटरनल पार्ट सच एज माउथ, नोज, थ्रॉट, नोस्ट्रिल्स, रेक्टम, वजाइना। ठीक है, और जो वो अल्सर बन के तैयार हुए हैं उनसे ऑफेंसिव बदबूदार स्मेल आ रही है। ठीक है, फ्रॉम विच डिस्चार्जेस कम्स आउट, जो डिस्चार्ज निकल रहे हैं उनसे बदबूदार स्मेल आ रही है। डिस्चार्जेस कम्स आउट विच इज वेरी ऑफेंसिव। ठीक है, तो वो उसके मुंह पे पानी डालता है, उठाता है उसको, भाई देख क्या हो गया तेरे साथ, है ना। तो बोलता है, अरे अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो बोलता है, देख तेरे अंदर पूरा चला गया एसिड, तू एक काम कर, जाके स्टूल पास आउट कर, ठीक है, क्या पता पूरा एसिड निकल जाए उसमें। जाता है वो, ठीक, गाड़ी रोकते हैं साइड में जाके स्टूल करने लग जाता है, तो पूरा जो एसिड भरा था अंदर वो भर करके बाहर निकल जाता है, मतलब डिसेंट्री हो जाती है उसको, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एसिड निकल जाता है। अब उस डिसेंट्री में क्या निकला था, वो एसिड था, इंटेस्टाइन जला दी होगी उसने। ठीक है, तो उसमें निकला स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, खुरचन, स्क्रैपिंग मतलब खुरचन ऑफ इंटेस्टाइन, इन डिसेंट्री स्टूल कंटेनिंग स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन।
ठीक है। बोला अब क्या? बोला उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे पूरा एसिड निकल जाता है तो वो अंदर इंटेस्टाइन को सुखा देगा, पूरी इंटेस्टाइन सूख जाएगी दोस्त, हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि बदबू तो आ ही रही थी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन विद हॉरिबल ऑफेंसिव ब्रेथ, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है उनसे कि क्या हुआ, कैसा दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। बोला इन्हें ये जो असर बन गए इसमें दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। बोला कैसा हो रहा है? बोला प्रिकिंग पेन हो रहा है ना, बर्निंग पेन हो रहा है, जलन हो रही है भयंकर वाली, बर्निंग प्रिकिंग एंड स्टिचिंग पेन हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है एक काम करो, रुक जाओ, तसल्ली रखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, वो कार्बोलिक एसिड दे देता है उसको। बोला 2-3 दिन में तुम सही हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो कहानी खत्म होती है यहाँ पे। मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कार्बोलिक एसिड, दो दोस्त कार में एसिड लेने जा रहे थे इंदौर से दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में भी गर्मी थी तो टोपी लगा के घूम रहे थे पूरे टाइम, ठीक। और उन्होंने पूरा दिन उनका ऐसे ड्राइविंग में और ढूंढते ढूंढते निकल गया, तो उनको काफ़ी थकान हो चुकी थी। ग्रेट डिएबिलिटी एंड वीकनेस, जो कि हर एक एसिड में पाया जाता है, इसमें भी है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो वापस आने लगे ड्राइविंग करके, तो दोस्त ड्राइव कर रहा था, उसके सिर में दर्द होने लगा थकान की वजह से, ठीक है। और उसको ऐसा लग रहा है कि सेंसेशन ऑफ ए बैंड अराउंड दी हेड, वो इसलिए है क्योंकि उसने पूरे दिन टोपी लगा के रखी थी, ठीक। वो दोस्त ने बोला यार मुझे थकान हो गई है, तू गाड़ी चला ले। तो उसका दोस्त क्या कहता है, उसको विस्की और टबैको दे देता है, ये ले ये खा मजे से इंदौर तक, तू गाड़ी चला के ले जाएगा अकेला, मना कर देता है वो। बोलता है इसको लूंगा, विस्की को लूंगा तो ये स्टमक में जाएगी, ये वहाँ का कैंसर कर देगी, ठीक है, टबैको खाऊंगा तो ये चीक का एपिथेलोमा कर देगी, वहाँ का ट्यूमर कर देगी, क्या मतलब है लेने का, लेता नहीं है वो, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि वो काफ़ी थक जाता है, फिर दोस्त बोलता है देखा मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, अब तू चला, ठीक है। उसका दोस्त गाड़ी चलाने लगता है, वो पीछे वाली सीट पे जाके सो जाता है जहाँ पे एसिड के कंटेनर रखे हुए होते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसका दोस्त देखता है कि अरे उसके वो पसीना आ रहा है, उसे लगता है वो पसीना है, ठीक है, तो पसीना आ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान से देखता है कि वो पसीना नहीं है, एक्चुअली में वो एसिड है जो उसके ऊपर गिर चुका है, उसकी वजह से उसको अल्सर्स हो जाते हैं, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, अंदर भी पूरे माउथ में, थ्रोट में, इंटरनल ऑर्गन्स में उसको क्या होता है कि अल्सर्स हो जाते हैं। अब वो दोस्त को उठाता है पानी डाल के और उससे बोलता है कि भाई ये काम कर, ये एसिड निकालना पड़ेगा कैसे भी करके, बाहर जल्दी से जाके स्टूल करके आ, ठीक है, स्टूल पास करके आ। तो स्टूल पास करता है तो एकदम से भड़बड़ करके पूरा एसिड जो है वो निकल जाता है, डिसेंट्री हो जाती है उसको, और उसमें क्या निकलता है, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो एसिड से जल चुकी थी तो वो धीरे धीरे करके स्क्रैप खुरचन बन के निकल जाती है इंटेस्टाइन से बाहर, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कैसा दर्द हो रहा है, तो बोलता है डॉक्टर साहब जलन हो रही है बहुत भयंकर, बर्निंग प्रिकिंग एंड स्टिचिंग पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ करो। तो वो उसे कार्बोलिक एसिड दे देते हैं और 2-3 दिन में वो जो है सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।